हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तीन बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर इस बैंक में गिरावट हो रही है, इस बैंक में गिरावट हो रही है, सर क्या करें, ऑलरेडी हम लोगों ने ये शेयर पोर्टफोलियो में रखा है तो क्या इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, या फिर खरीदने की कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, एवरेज कर लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आए। तो ये सारे जितने भी बैंक्स थे, जो तीन बैंक से रिलेटेड मुझे कंसिस्टेंटली जो सवाल पूछे जा रहे थे, तो ये स्पेसिफिकली वीडियो मैंने उन तीन बैंक के ऊपर बनाया, जिससे रिलेटेड टाइटल में आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ICICI बैंक। तो ये तीनों बैंक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसे, एंड वीडियो को क्लोज करते वक्त मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अकॉर्डिंग टू मी इस बैंक में क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो शेयर मैंने सिलेक्ट किया है वो है बैंकिंग सेक्टर का राजा, आप कह सकते हो इंडिया की रैंक वन कंपनी की बैंक, जिसका नाम है HDFC बैंक। प्राइवेट सेक्टर की भी रैंक वन बैंक है, आप सभी लोगों को पता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि NSE के टॉप फाइव में अगर कोई बैंक आती है जो बाकी कंपनी को टक्कर देती है, तो वो एकमेव बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक। तो ये मुझे शेयर बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इसको लॉन्ग टर्म से होल्ड करते आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, बीच में इस कंपनी ने बोनस भी दिया था, जिसके वजह से ये 2200-2500 पे चलने वाला शेयर आप लोगों को अभी 1100-1200 पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक चीप लेवल पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बट इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार कुछ गिरावट होती चली जा रही है। अगर हम लोग फ्राइडे के दिन की बात करें, मतलब 4 अक्टूबर क्लोजिंग की बात करें, तो ये 2.5% से भी ज़्यादा टूट चुका था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 33-35 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, एंड 1200 के नीचे ये शेयर आना शुरू हुआ था। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एज सच जितने भी ये बैंक है, मैं तीनों बैंक के नाम जैसे बता दिया है, HDFC बैंक, कोटक बैंक एंड ICICI बैंक, तीनों बैंक में कोई भी हम लोगों को इंटरनल इश्यूज़ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ना मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, मार्केट कंसिस्टेंटली 5 दिन गिरावट में है, एंड उसके वजह से हम लोगों को ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये ऐसा एक सुनहरा मौका होता है जब हम लोगों को फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स एक सस्ते दाम में अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, जो कि खरीदारी करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सो HDFC आप देख सकते हो, जितनी अभी भी मार्केट में गिरावट होगी या फिर फ्यूचर में भी हो सकती है, जैसे कि हम लोगों को संकेत मिल रहे हैं मार्केट में स्लो डाउन है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, उसके वजह से हम लोग ये कह सकते हैं मार्केट और भी नीचे आ सकता है, 11,000 या फिर उससे नीचे वापस आ सकता है जो कि ओरिजिनल फॉर्म में था। तो ऐसे पोजिशन में अगर मार्केट वापस आ जाता है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी कि ऐसे फंडामेंटल शेयर आप लोगों को ईजी, मतलब सस्ते दाम में मिलना शुरू हो जाएंगे। सो 5 दिन के चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी शेयर हम लोगों को चार्ट पैटर्न नीचे ही दिख रहा है, जो कि बहुत ही एक मामूली सी बात होती है। बट जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होता है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता है कि स्टॉक मार्केट में जो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आते हैं, उनको हमेशा स्टॉक मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चला जाता है। तो 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा स्टेबल चार्ट पैटर्न दिखेगा। 1 साल का देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है, एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हो ये शेयर आपको 972 पे मिलता था, एंड अगर अभी की बात करें तो 1189, मतलब जिन लोगों ने 1 साल पहले खरीदा है वो अभी भी प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न है, एंड ऑल टाइम के भी चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो ये अप ट्रेंड में है। सो ये छोटे मोटे उछाल उतार चढ़ाव ये हमेशा मार्केट में आते हैं, इससे कोई भी शेयर अभी तक मार्केट से बचा हुआ नहीं है। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पूछ रहे थे सर क्या HDFC से एग्जिट हो जाए, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कोई एग्जिट वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो वो आपका खुद का डिसीजन हो सकता है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मुझे पूछोगे, क्योंकि ये तीनों शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, बट मैं इनको होल्ड ही करना पसंद करूँगा, एंड ये जितना नीचे आए मैं इसमें और क्वांटिटी खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ही पसंद करूंगा। तो चलिए NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को HDFC से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। तो HDFC बैंक को मैंने ओपन किया है, जहाँ पे हम लोग 52 वीक हाई एंड लो के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। 52 वीक लो की बात करें तो 942 पे इसने 52 वीक लो बनाया था, एंड 52 वीक हाई की बात करें तो 1200-1300 के रेंज आप देख सकते हो, इतना ज़बरदस्त हाई पे था। सो अभी भी हम लोग कह सकते हैं ये शेयर अपने 52 वीक हाई के करीब चल रहा है, क्योंकि 1282 का इसने जो हाई बनाया था, एंड अगर करंट प्राइस की बात करें तो 1189 पे चल रहा है। सो इतना कोई ये ज़्यादा टूटा हुआ नहीं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब मामूली सी गिरावट रहेगी 5-6% के आसपास। अगर 4 अक्टूबर के परफॉर्मेंस की बात करें तो इतनी गिरावट के बाद भी हम लोग देख सकते हैं 52% से भी ज़्यादा, लगभग 52.5% लोगों ने ये शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखा है, डिलीवरीज उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो कंपनी बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिटेबल इनका परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कंपनी कंसिस्टेंटली आप लोगों को डिविडेंड देते चली आ रही है, एंड यहाँ पे फेस वैल्यू जो स्प्लिट भी हुआ
था, जिसकी वजह से ये शेयर हम लोगों को बहुत ही सस्ते दाम में अभी देखने को भी मिल रहा है। सो एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड डिटेल को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि ये शेयर बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, एनएससी के टॉप 5 में आने वाली कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर से रैंक 1 कंपनी। सो ऐसे कंपनी को आप लोगों ने ज़रूर होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद जो शेयर सिलेक्ट किया है वो भी एक ज़बरदस्त बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड है, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी बैंक मेरे को बहुत ही फेवरेट है, जैसे मैंने कहा था ये भी बैंक का शेयर मेरे भी पोर्टफोलियो में, एंड इसमें भी हम लोगों को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रॉक्सीमेटली 3.5% या फिर 4% के आसपास की गिरावट हम लोग कह सकते हैं, जो कि 55 पॉइंट से भी ज़्यादा है। इंटायर मार्केट में प्रेशर बना है, जिसका फटका आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक को भी लगा है। एंड एज सच अगर आप मुझे पूछोगे तो ये कोई बुरी खबर नहीं, इनफैक्ट ये अच्छी खबर है, क्योंकि फंडामेंटल शेयर स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपको बिना वजह इंटरनल इश्यूज के आप लोगों को नीचे गिरते हुए मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो ही नहीं सकती है। तो आप सिमिलर चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, 5 दिन पहले ये भी शेयर अच्छे खासे लेवल पे था, हम लोग कह सकते 1659 तक ये शेयर का रेंज था। अभी अगर आप देखोगे तो ये 1550 के आसपास आ रहा है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो सिमिलर एचडीएफसी बैंक जैसे ही कंसोलिडेशन पैटर्न में दिखा रहा था वैसे ही चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। एक साल का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, जहाँ पे ये शेयर आप लोगों को 1100 के आसपास मिल रहा था, एंड अगर 5 साल की चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो ये 500 रुपये के आसपास मिलने वाला शेयर था। एंड ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड में है, जैसे एचडीएफसी बैंक का चार्ट था वैसे। एंड ऐसे शेयर में आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि भले वो लार्ज कैप हो, स्लो चलने वाले हो, बट वो आपका पैसा सेफ रखेंगे, एंड बैंक के एफडी से भी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न देके चले जाएंगे। सो कोटक महिंद्रा बैंक से भी यही कहना चाहूंगा, जिनके भी पोर्टफोलियो में कोई पैनिक की जरूरत नहीं, जितना नीचे आता है आने दो, आप जितना चाहो एक्युमुलेशन कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना नजरिया रख लेना, आप लोगों को ये अच्छा खासा रिटर्न देके चला जाएगा। एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके कोटक महिंद्रा से रिलेटेड कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 52 वीक हाई एंड लो की डिटेलिंग मैंने ओपन की है। 1000 के आसपास आप देख सकते हैं 52 वीक लो था, तो 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 1680 के आसपास आप लोगों को 52 हाई देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के लास्ट ट्रेडेड डेट की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 58% से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें डिलीवरीज उठाई है। सो जितना ये शेयर ऐसे फंडामेंटल शेयर नीचे आएंगे तो हम लोगों को ये परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि ये कितना अच्छा शेयर है। जितना आप इसको निचले लेवल पर बाय करोगे ये लॉन्ग टर्म में उतना ही आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी क्या गजब क्या प्रॉफिट दे रही है, बहुत ही जबरदस्त होता है। बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि पहले क्वार्टर में 147.80 है एंड नेक्स्ट क्वार्टर में 136.020 है, तो इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट में माइनर सा गिरावट है, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना बड़ा फिगर प्रॉफिट का मेंटेन करना ये कोई आसान बात नहीं है, तो ये हमेशा हम लोगों को बड़े कंपनीज में देखने को मिलता है। मतलब ये प्रॉफिट से रिलेटेड मैं हमेशा इजी लैंग्वेज में आपको सिखाता हूँ ना, क्रिकेट से रिलेटेड, कि रोहित शर्मा अगर पहले मैच में 120 रन मारता है एंड नेक्स्ट मैच में अगर वो 110 मारता है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस खराब हो गया, क्योंकि पहले मैच में तो उसने 120 मारा था, अभी तो 110 मार रहा है। देखिए नंबर्स के फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्वियसली 120 ज़्यादा थे, 10 रन कम बने, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे क्या 110 भी कम है। तो सिमिलर वही यही कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्रॉफिट ये मेंटेन करना ही कोई बच्चों का काम नहीं है, बहुत बड़ा बात होता है। तो यही कहना चाहता हूँ, कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है एंड नीचे आप देख सकते कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने वाली है। बीच में इस कंपनी ने बोनस भी दिया था, 2015 की बात है, आप देख सकते 2016 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते ही चली आ रही है। सो कोटक महिंद्रा से रिलेटेड भी यही कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एंड हमेशा मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे शेयर में आप लोगों ने बने रहना चाहिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन दोनों बैंक के बाद जो बैंक बहुत ज़्यादा मुझे पूछी गई थी वही आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक भी मेरे पोर्टफोलियो में, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो मैं वेटेज देता हूँ कभी भी, मतलब आप अगर मुझे 1,00,000 रुपये हाथ में देते हो तो सबसे पहले मैं एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा लगाता हूँ, उसके बाद जो मैं पैसा लगाऊंगा वो मैं कोटक बैंक में लगाऊंगा। मतलब 50,000 में एचडीएफसी में लगा दूंगा, 40% मतलब 40,000 में कोटक में लगा दूंगा, एंड बचा हुआ 10% 10,000 में आईसीआईसी बैंक में लगा दूंगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्की है। बैंक बुरी नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, रिजल्ट क्वार्टर वन के भी ज़बरदस्त थे, चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो टेम्पररी बेस के लिए आप लोगों को 3% 3.5% की गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि 14% की गिरावट है। सिमिलर वे के चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे, 5 दिन की भी इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये शेयर 450 पे चलता था 5 दिन पहले। एक महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 1 साल का देख लीजिए, 5 साल का देख लीजिए, या फिर ओवरऑल देख लीजिए, जितना आप दूर जाओगे ये अप ट्रेंड में जाएगा, बट यहाँ पे उतार चढ़ाव देख लीजिए, यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि
जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं उन लोगों ने HDFC एंड कोटक में पैसा लगाना चाहिए। डेफिनेटली वो पैसे, मतलब जो शेयर प्राइस है वो महंगा है, बट आप लोगों का पैसा जो वॉलेटिलिटी रहेगा वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। बट जो ICICI बैंक में वो वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगा वो कंपनी का अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न पे वो चीज़ें देख भी सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाएंगे तो यहाँ पे भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। फिलहाल तो 413 पे ये शेयर चल रहा है एंड 52 वीक हाई की बात करें तो ये 458, मतलब अभी भी ये कंपनी का शेयर अपने 52 वीक हाई के करीब है। 52 वीक लो की बात करें तो 294 का इसने बनाया था, जो कि बहुत ही दूर है। उसी के साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 26% के आसपास यहाँ पे हम लोगों को बाइंग देखने को मिल रही है पिछले ट्रेडिंग क्लोजिंग दिन पे। अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त थे, जो कि अर्लियर क्वार्टर में 96,000 का प्रॉफिट था, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में 1,90,000, मतलब इतने ज़बरदस्त, डबल से भी ज़्यादा। इसलिए मैंने कहा था कि क्वार्टर वन के रिजल्ट इनके बहुत ही शानदार आ चुके थे, जो कि आप इसका अंदाजा EPS से भी लगा सकते हो। 1.48 का EPS, लगभग 2.91, मतलब 3 के आसपास आ चुका है। कंपनी से रिलेटेड डिटेल नीचे भी देखोगे तो सिमिलर वे कंसिस्टेंटली डिविडेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ये भी बैंक बहुत ही अच्छी है। अगर इन तीनों बैंक को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू लाइन मतलब HDFC, लाल मतलब आप देख सकते हो कोटक, एंड पर्पल मतलब ICICI बैंक। 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को HDFC लगभग 1% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक 6% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तो ICICI बैंक 3% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। एक साल का रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं तीनों कंपनी आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को कोटक दे रहा है, उसके बाद ICICI दे रहा है, उसके बाद HDFC दे रहा है। अगर 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो वापस आप देख सकते हो कि तीनों बैंक आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 1 साल या फिर 5 साल अगर आप ऐसे बैंक को होल्ड करते हो तो आपको ये बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न देके चले जा रहे हैं। तो ये गिरावट आपके लिए अच्छा खासा मौका क्रिएट हो रही है कि अच्छे खासे शेयर ये नीचे आ रहे हैं, तो आप इसमें खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड भी करते हो तो आप देख सकते हो कि कैसे आप लोगों को पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं। ऑल टाइम के भी रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हो क्या गजब के रिटर्न आपके सामने ओपन हो चुके हैं। थोड़ा सा नीचे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिविडेंड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं तो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक का 0.63 है, कोटक महिंद्रा का बहुत ही कम है एंड ICICI का 0.24 है। अगर PE रेशियो देखते तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड HDFC बैंक है, जो कि थोड़ा सा स्लो चलता है, एंड सबसे ज़्यादा रिस्की हाई PE है वो ICICI बैंक है। बट तीनों बैंक अगर हम लोग देखते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छे है। तो इन तीनों बैंक से रिलेटेड मैं आप लोगों को जो सुझाव देने वाला हूँ वो एक ही सुझाव है कि जिनके भी पोर्टफोलियो में, मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। जिन लोगों ने भी इसमें अभी तक खरीद के रखा हुआ है एंड ये शेयर नीचे जा रहे कंसिस्टेंटली, तो इसमें आप लोगों ने एवरेज भी करना चाहिए, ये मेरा कहना है। उसी के साथ साथ जिन लोगों ने इसमें कोई भी बाइंग नहीं की है, फ्रेश बाइंग, तो जितना ये शेयर नीचे आ जाएंगे उतना आप इसमें ऐड भी करोगे, एंट्री भी करोगे लॉन्ग टाइम के लिए। मैं लॉन्ग टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने अभी मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि अगर आप 1 साल 5 साल होल्ड करते हो तो आपको तीनों ये बैंक आपको अच्छे खासे रिटर्न देते हुए मिल रहे। सो यही कहना चाहूँगा, जिनके भी पोर्टफोलियो में है तो होल्ड कीजिए, एवरेज चाहो तो आप कर सकते हो, नीचे गिरते तो और भी एवरेज कर सकते हो, एंड जो लोग फ्रेश बाइंग करना है वो भी कर सकते हैं। बट ये याद रखना कि मार्केट और गिर गया तो शायद से ये शेयर आपको और भी सस्ते दाम में नीचे मिल सकते हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके पर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।